हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस टॉपिक में हम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुछ फैक्ट्स को याद करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैप मोड से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन है? पलामू। ओके, सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन हुआ? पलामू। न्यूनतम एससी वाला जिला है लोहरदगा। ओके, सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन है? रांची। ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाला जिला रांची हो गया। न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन हो जाएगा? कोडरमा। ओके, अब देखिए सर्वाधिक एससी का परसेंटेज कौन से जिले में है? चतरा में। तो न्यूनतम एससी का परसेंटेज आपको दिखेगा यहाँ पे पाकुड़ में। ठीक है, सर्वाधिक एसटी परसेंटेज अगर हम लोग देखते हैं, एसटी का परसेंटेज सर्वाधिक कहाँ पे है? खूंटी में। और न्यूनतम एसटी का परसेंटेज कहाँ है? कोडरमा में। ओके, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो गया? रांची। और न्यूनतम साक्षरता दर किस में है? पाकुड़ में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर रांची और न्यूनतम साक्षरता दर हो गया पाकुड़। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। ओके, फिर देखिए सर्वाधिक अल्पसंख्यक का परसेंटेज कौन से जिला में है? सिमडेगा में। तो न्यूनतम अल्पसंख्यक का परसेंटेज कौन से जिला में है? सरायकेला खरसावां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो गया पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा धनबाद। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर हम लोग देखते हैं तो धनबाद ही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? गोड्डा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है? धनबाद में। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अब देखेंगे सिमडेगा में। ओके, तो इस तरह से सारे फैक्ट्स जो है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस मैप मोड से कवर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।